चलिए कल वाला कंप्लीट कर लेते। ऑनलाइन जी सर 30 जून 2022 इधर एक्सट्रैक्ट्स में ना। ये फिगर्स देख कर पिछली तरह बनवाया था। किस अमाउंट से स्टार्ट है ये? जान ली है। कितनी अमाउंट से स्टार्ट है सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही होगा ना। नेक्स्ट हेडिंग टैक्स में करंट टैक्स लिखो। थाउजेंड डेफर्ड टैक्स लिखो। टैक्स लिखो सर 7500। कैसे लिखूं? एज एन एक्सपेंस लिखूं? नहीं बेटा ऐसा नहीं लिखना है। कमाल है यार, यहाँ एसेट लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस ही लिखना है। अरे एक्सपेंस ही लिखना, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं यार। एज एन एक्सपेंस एक्सपेंस डेबिट करूं क्रेडिट करूं? ना करें जरा देख ले, देख ले भाई साहब जान दे मुझे खुदा का नाम सा। लास्ट ईयर वाली एंट्री देखें सर। लास्ट ईयर क्या एंट्री की है? तो क्या अब एसेट बढ़ना? नहीं अब एसेट बढ़ना तो डबल एंट्री क्या बननी? अब एसेट खत्म हो गया सर, तो जब एसेट का फायदा मिल गया तो एक्सपेंस बन गया। ठीक है एंट्री लिखें एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। क्यों ये एसेट एक्सपेंस बन गया? क्या जो टैक्स सेविंग होनी थी सर हो गई है सर? एक एसेट कब तक एसेट रहता है? अब ये एक्सपेंस है जी, डेबिट होना प्रॉफिट लॉस बना रहा है। एक्सपेंस डेबिट भी, अब ये दोनों फिगर्स आपस में ऐड होनी लेस होनी? ऐड ही होनी है यार सर, खर्चे ऐड ही होने। वो बात की बात ब्रैकेट लगा देंगे यार, क्या हो गया? दोनों फिगर्स ने करंट टैक्स की एंट्री बनाई। करंट टैक्स एक्सपेंस भी डेबिट है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस भी डेबिट है, तो दोनों डेबिट आपस में ब्रैकेट लग के ऐड हो। एंड व्हाट इज टोटल एक्सपेंस? 90,000। फाइनल फिगर का नाम टू 10 का नाम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है और क्या नाम? लास्ट ईयर देख के बताएं एसेट बढ़ क्यों गया था? क्या कुछ एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया था सर? लेकिन किस साल का वो एक्स्ट्रा टैक्स था? 22 का। 21 में दिया था 22 का, जब 22 एंड हो गया तो वो एक्स्ट्रा टैक्स खत्म। तो डेफर टैक्स एसेट जब बढ़ता है तो क्या डबल एंट्री होती है? एसेट डेबिट एक्सपेंस राइट। और जब एसेट खत्म हो जाता है तो फिर एक्सपेंस डेबिट होके एसेट क्रेडिट।
बनाने की छोटी समरी। यहाँ दो एंट्रीज पहले फाइनल हुई थी, किसकी? डेफर टैक्स लाइबिलिटी की, और अब ये दो एंट्रीज फाइनल करना, डेफर टैक्स एसेट। इफ डेफर टैक्स एसेट इज इंक्रीज्ड, डेफर टैक्स एसेट डेबिट। वैसे आप सोच सकते हैं कभी ये बढ़ता है, डेफर्ड टैक्स एसेट कब इंक्रीज होगा? जब अगला टैक्स, अगले सालों का टैक्स इस साल में दे दिया होगा। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब इंक्रीज होगा? जब इस साल का टैक्स अगले सालों में देना होगा। अगर इस साल कम टैक्स दिए जो अगले साल में देना, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर इस साल ज्यादा टैक्स दिए अगले सालों का, तो फिर एसेट बढ़ जाएगा। और अगर ये डिक्रीज हो जाए, जब इसका बेनिफिट मिल जाए, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, एक्सपेंस डेबिट, एसेट क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़े तो क्या एंट्री होती है? लायबिलिटी कम हो तो एंट्री क्या होती है? बस चार ही एंट्रीज हैं यार, चार एंट्रीज के अंदर अंदर ही रहना है। एसेट कम हो जाए तो एसेट क्रेडिट एक्सपेंस कर रहे। पहले आप मेन चीज बोल रहे हो, लेकिन अब आए एक डिफरेंट एंगल से सुना ये स्टोरी। यहाँ से ये अपने सेकंड एग्जांपल स्टार्ट की थी, वही हो जाए। डेटर की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में 25,000 का डिफरेंस आ गया था। अब हमने फिगर्स देख के सब कुछ देख तो लिया, लेकिन शायद सिर्फ इस 25,000 को अगर गौर से देखा जाए, तो हम इस नतीजे पे इंशाल्लाह भी पहुंच जाएंगे कि इस 25,000 के डिफरेंस पे अगर रेट मल्टीप्लाई किया जाए। एक मिनट कर लें दोबारा, 25,000 मल्टीप्लाई 30%, इस डिफरेंस को अगर एक अकाउंटेंट बन के गौर से देखा जाए और रेट मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो 7500 अभी हमें सामने पता चल जाएगा विदाउट दैट डिटेल वर्किंग जो हमने कल की है, कि ये डेफर टैक्स एसेट ही बनना है। तो कैसे सोच रहा है? देखिए, क्या हमने ये 25,000 अकाउंटिंग में एक्सपेंस बना लिए? ये 25,000 सही है क्या? इसकी डबल एंट्री बोला था, तो क्या हमने इसे अकाउंटिंग में एक्सपेंस बना लिया है? अपने ज़हन में करंट टैक्स की वर्किंग करें। हमने इसे एक्सपेंस बना लिया है, लेकिन टैक्स वाले इसे इस साल नहीं मानेंगे और वो इसे ऐड बैक करते हैं। अगर कभी भी कोई एक्सपेंस ऐड बैक होगा, तो क्या टैक्सेबल प्रॉफिट्स ज्यादा हो जाएंगे? इस साल टैक्सेबल प्रॉफिट्स ज्यादा होने से क्या होगा? हम ज्यादा टैक्स दे रहे होंगे। क्या अगले सालों का दे रहे होंगे? कितना ज्यादा दे रहे होंगे? 25,000 नहीं, 7500। लेकिन अगले सालों में भी सोच सकते हैं, हमने तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है इस साल। जब भी कभी एक्चुअल बैड डेट्स हुए, तो फिर इस 25,000 को टैक्स वाले एक्सपेंस अलाउ करेंगे। मैं फ्यूचर की बात करूं या इस करंट ईयर की बात करूं? हमने फ्यूचर में चला गया। जब टैक्स वाले इस अमाउंट को एक्सपेंस अलाउ करेंगे, तो क्या हम भी एक्सपेंस बनाएंगे? हमने बना लिया। एक्सपेंस अलाउ करेंगे का मतलब होता है एक्सपेंस लेस होगा, किसमें से? प्रॉफिट्स में से। तो क्या फिर टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे? क्यों कम हो जाएंगे? वो एक्सपेंस अलाउ करेंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्या टैक्सेबल प्रॉफिट अगर कम होगा, तो फिर टैक्स सेविंग हो जाएगी? क्या हम इस डिफरेंस पे टैक्स सेविंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फ्यूचर, जब भी डेफर टैक्स की बात हो, ठीक है, वो मैंने करंट टैक्स वैसे आपको बताया,
डेफर टैक्स रिलेट्स टू फ्यूचर, क्या फ्यूचर में 25,000 इंटू 30% 7,500 हम टैक्स सेविंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमें कैसा लग रहा है? हम नॉर्मल लोग हैं, नहीं हमें फ्यूचर में तो अच्छा लग रहा है, फिलहाल दे दिए तो बोझ कम महसूस हो रहा है। अगर आपको लग रहा हो कि फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना तो फिर तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी, और अगर लग रहा हो कि फ्यूचर में टैक्स सेविंग हो जाएगी तो इट रिजल्ट्स इन डेफर टैक्स। तो इस डिफरेंस को भी अगर रेट से मल्टीप्लाई किया जाए 30% तो अमाउंट आएगी हमारे पास आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो क्या इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि ये डेफर टैक्स एसेट का बैलेंस है? किस डेट पे ये क्रिएट हुआ? तो व्हाट शुड बी द डबल एंट्री एट द एंड ऑफ 30 जून 2021 एसेट डेबिट एक्सपेंस में, और जब ये एसेट खत्म हो जाए तो फिर एसेट क्रेडिट एक्सपेंस में। तो ये जरा कांड एक छोटी लाइन बीच में ऐड कर देंगे, बाकी ठीक है अभी हम डिटेल में अदरवाइज भी कर रहे हैं, इसका भी कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने की जरूरत है सर। फ्यूचर में अगर ज्यादा टैक्स देना है, एक्सपेक्टेड अगर टैक्स ज्यादा देना होगा इट विल रिजल्ट इनटू अब डेफिनेटली फ्यूचर में ज्यादा क्यों देना होगा, हमने अभी कम दिया और वाइस वर्सा फ्यूचर में कम टैक्स देना तो डेफर टैक्स एसेट होगा, कम देना फ्यूचर में क्यों कम देना होगा, हमने पहले ज्यादा तो पहले ज्यादा एक्स्ट्रा दिया होगा वही डेफर टैक्स एसेट। तो या फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना होगा या कम देना होगा, और तीसरी सिचुएशन बस यही हो सकती ना फ्यूचर में ज्यादा देना, अगर अच्छा ना फ्यूचर में ज्यादा देना हो ना कम देना हो फिर एसेट है लाइबिलिटी है, फिर कुछ भी नहीं है, ज्यादा देना हो तो लाइबिलिटी है, कम देना होगा तो एसेट। ठीक है सर, एग्जाम्पल थ्री सर, एग्जाम्पल थ्री हेडिंग लिखा है और हेडिंग लिख के जरा वापस है पेज नंबर टू जो आपका है इस डिस्कशन का, अब ले लिए बुक जिनके पास है जरा बुक से देखें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऐसे परेशान है अचानक हो जाएगा ना बुक का वर्ड सुन के, आपकी ज्यादा टेंशन है बस इंशाल्लाह सब कुछ आपके पास आने लगे, किताबें इंशाल्लाह पूरी होने लगी। उस डिस्कशन में जरा ग्रेजुटी होंगे जरा बताए पॉइंट नंबर के पॉइंट नंबर एट, और अगर जरूरत पड़े तो नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे भी इसकी थोड़ी सी डिस्कशन हुई है, तो जरा एक नजर अगर देख के रिवाइज करना। व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेजुटी? इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस ऑन अक्रूअल बेसिस, यही सब डिपोरी है ना। पॉइंट नंबर एट आ रहा, नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नजर आ रहा है। ग्रेजुटी इज रिकॉग्नाइज्ड एन एक्सपेंस ऑन अक्रूअल बेसिस, व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट, व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री ऑफ एक्सपेंस, ग्रेजुटी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री ऑफ पेमेंट, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन क्या टैक्स वाले इसे एक्सपेंस मानते हैं? लेकिन कब मानते हैं? जब कभी पे करेंगे तो हम एंट्री कर रहे होंगे, हम का मतलब हम अकाउंटेंट्स एंट्री कर रहे होंगे पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, और अगर सोचा जाए टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त एंट्री हो रही होगी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, उन्होंने कोई पेएबल नहीं बनाना इसका, वो किस बेसिस पे काउंटिंग कर रहे हैं? अब यहां रुक के जो बात हुई गौर से सुनिए आप लोग, ये जितने पेएबल्स और रिसीवेबल्स हैं, पेएबल्स रिसीवेबल्स, इनका कॉन्सेप्ट सिर्फ अक्रूअल बेसिस की वजह से। अगर फर्ज करें अकाउंटिंग से अक्रूअल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए और कैश बेसिस आता है, तो इसका मीनिंग भी होगा कि हम इनकम रिकॉर्ड ही तब कर रहे होंगे जब कैश मिलेगा, तो फिर हमेशा कैश डेबिट पे ही इनकम क्रेडिट करेंगे, तो रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा अगर अकाउंटिंग कैश बेसिस पे शुरू हो जाए, और सिमिलरली एक्सपेंस का डेबिट कर रहे होंगे
कैश बेसिस शुरू हो जाए तो कैश क्रेडिट होगा तो एक्सपेंस डेबिट होगा, तो ना पेबल्स ना रिसीवेबल्स। ये पेबल्स और रिसीवेबल्स अकाउंटिंग में सिर्फ किस कॉन्सेप्ट की वजह से है? अक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग में अक्रूअल ही है, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कभी कैश वर्ड आया तो इट सिंपली मीन्स कि कैश बेसिस पे इनकम या कैश बेसिस पे एक्सपेंस की बात हो रही है। तो ग्रेजुटी दोबारा देखें, अगर टैक्स वाले कैश बेसिस पे लाओ करें तो इट सिंपली मीन्स कि वो एक्सपेंस रिकॉर्ड ही तब करेंगे जब कैश जाए, और वो कब जाएगा? जब एम्प्लॉय रिटायर होगा, जब पेमेंट हो। ठीक है, क्या अक्रूअल बेसिस अगर कभी आप देखें तो इट मीन्स कोई रिसीवेबल्स पेएबल होंगे, दो चलते रखें। लेकिन अगर कैश बेसिस हो जाए, मतलब मैं आपसे कहूं इनकम इज टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस, व्हाट इज द डबल एंट्री? इनकम इज टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस, इनकम क्रेडिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस इज डिडक्टेबल ऑन कैश बेसिस, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस इज डिडक्टेबल ऑन अक्रूअल बेसिस। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल वो रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस पॉइंट नंबर 7, लेकिन बहरहाल एक पॉइंट पेज नंबर 4 एक पेज आगे तो एग्जांपल 1 की थी हमने। अब जिनके पास अदरवाइज पेज है कुछ ना कुछ देख लीजिएगा। एक चीज मैंने अभी आपसे कही थी कि अगर टैक्स ट्रीटमेंट सवाल में बताया हो तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि सवाल में लिखा हुआ है कि एक्सपेंस इज अलाउड ऑन अक्रूअल बेसिस, जिसका मतलब एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट पे अलाउड है, इनकम इज टैक्सेबल ऑन अक्रूअल बेसिस, तो फिर ठीक है रिसीवेबल है। लेकिन अगर कैश बेसिस बढ़ा दे इट मीन्स नो रिसीवेबल एंड पेबल। अब आ जाए एग्जाम्पल 3 पर। Let's assume as on 30th June, the only sense of office 2021. Suppose once again, it first year business. Up statement of financial position. इस साल आपने ग्रेजुटी एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड की, और सपोज इस फर्स्ट ईयर में कोई आपने ग्रेजुटी की पेमेंट नहीं की, डबल एंट्री बोलो। मायूसी खत्म करें, कांडी एंट्री बोले यार, ग्रेजुटी एक्सपेंस डेबिट एंड ग्रेजुटी पेबल। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ग्रेजुटी एक्सपेंस आएगा या पेबल आएगा? कहीं लाइबिलिटीज में, अब एग्जैक्टली कौन सी लाइबिलिटीज में, इंशाल्लाह जब थोड़ा थोड़ा बड़े होते जाए मैं बताता रहूंगा। आगे आप बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी है, लेट्स सी अमाउंट इज 1 लाख, बस लिखना छोड़ देंगे। क्या ये लाख अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट में आया? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया सर मैंने इस 1 लाख का, सर दिस 1 लाख इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? एसेट और लायबिलिटी की वो अमाउंट जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। ठीक हो गया। अब एक सेकंड के लिए इसी ईयर एंड पे एज ऑन 30 जून 21 पे जरा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैलेंस शीट में बनाते। जब हमने ये ग्रेजुटी का एक्सपेंस अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किया है तो टैक्स वाले क्या एंट्री कर रहे होंगे? कुछ तो करेंगे यार, कुछ तो करेंगे। वो कुछ क्यों नहीं करेंगे? वो किस दिन का वेट कर रहे हैं? पेमेंट का वेट कर रहे हैं। लेट्स सेज पहला साल अभी पेमेंट नहीं। अच्छा, अगर पेमेंट हो भी जाए तो वो एंट्री क्या करेंगे? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट पेबल होने फिर भी नहीं बनाना। सोचो फिलहाल तो उन्होंने कुछ भी नहीं, क्यों नहीं किया? पेमेंट ही नहीं हुई। और अगर पेमेंट हो भी जाए तब भी उन्होंने पेबल का कुछ नहीं करना, उन्होंने एक्सपेंस और कैश की बात करनी।
वापस बहरहाल फिलहाल यही आ रहा है, इसके सामने जीरो क्यों होना चाहिए? अब टैक्स बेस सोचनी कैसे है? हमारे जहन में इस वक्त क्या बना हुआ है? एक बैलेंस शीट बनी हुई है और टैक्स पॉइंट व्यू से हम सोच रहे हैं। टैक्स पॉइंट व्यू से अगर बैलेंस शीट बनाई जाए इस साल के एंड पे, तो वहां कोई ग्रेजुटी पेएबल की फिगर नहीं है। जीरो मीन्स कुछ तो होगी वैसे, तो थोड़ी सी कुछ ना कुछ, क्यों कुछ नहीं? वो अक्रूअल बेसिस पे एक्सपेंस मानेंगे और इंतजार में, तो उनका ये एक्सपेंस नहीं है और देयरफॉर लायबिलिटी नहीं। क्या खर्चा होगा और ना पे किया हो तो लायबिलिटी होता है। एक्सपेंस हो गया है, पैसे नहीं दिए, वो क्या कह रहे हैं? एक्सपेंस होगा ही कब, पैसे देंगे, तो वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं। क्या डिफरेंस आ गया सर? ये डिफरेंस कब आता है? जब अकाउंटिंग का टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट हो। अकाउंटिंग में अक्रूअल है और टैक्स में कैश, कितना डिफरेंस आ गया? अगर डिफरेंस आ जाए तो फिर या उस डिफरेंस के अगेंस्ट रेट मल्टीप्लाई करके लायबिलिटी बनती है या डिफरेंस। अगर डिफरेंस ही ना हो तो उसका मीनिंग होता है कि अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम है। लेट्स अस्यूम एक्सपेंस उन्होंने भी बना लिया, हमने भी बना लिया, अब फ्यूचर में क्या होगा? लेकिन अब जरा यहाँ रुक के जरा सोचें, क्या डिफरेंस आ गया इससे? अब कोशिश करते हैं कि वो सारी बहस जो हम पिछले दो तीन दिन से लिख के कर रहे हैं जरा जहन में हो सके। रेडी सर? करंट टैक्स की वर्किंग जहन में लाए, हमने ये एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया होगा। मैं इसके सेकंड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली सामने लायबिलिटी लिखी हुई है। इस लायबिलिटी का कोई सेकंड इफेक्ट भी है सर? एक्सपेंस डेबिट हुआ ना, करंट टैक्स पे आ जाता है, हमारे प्रॉफिट में से 1 लाख लेस हुआ होगा। टैक्स वाले इसे इस साल अलाउ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? एडबैक करेंगे। एडबैक करने से टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होने से क्या होगा? टैक्स ज्यादा बढ़ता है। कैलकुलेटर पकड़े कितना ज्यादा होता है? अगर 30% रेट लेते जाएंगे, एक मिनट क्या इधर आइए, क्या होगा जिस बात की? डिफरेंस को अगर हम रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हम कोई भी एक्स्ट्रा वर्किंग किए बगैर अब इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि ये इस साल एक्स्ट्रा टैक्स हो जाएगा? अब जरा अगले साल का सोचेंगे, अगले सालों, जब मैं अगले सालों की बात करता हूँ तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर जब भी कभी ये पेमेंट होगी, जब भी कभी इंप्लॉयज रिटायर होंगे, तो क्या ये 1 लाख रुपीज, क्या ये 1 लाख रुपीज हमें अलाउ हो जाए? अलाउ होने का मीनिंग क्या होता है? एक्सपेंस डेबिट, क्या टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे? टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो क्या टैक्स सेविंग हो जाएगी सर? क्या ये टैक्स सेविंग आपको अच्छी लग रही है सर? ये डेफिनेट एक्सेस बन गया सर। और ये डबल एंट्री सर, डेफिनेट एक्सेस डेबिट एक्सपेंस, वो सारी बहस जो हम करते रहे हैं शायद उसे समराइज जहनी तौर पे किया जा सकता। क्या मैं जज्बाती तो नहीं हो रहा ये अज्यूम करके? लिखे सर, एक एंट्री साथ एंड में लिखा असर डेबिट एक्सपेंस। इस साल ये फाइनली एंट्री फिर रिवर्स हो जाएगी, तो सगत फिर एंट्री क्या होगी?
whenever equity is 9 only. Whenever gratuity is paid. जो टैक्स सेविंग होनी होगी 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 और देयर फॉर करिए एसेट रिवर्स हो जाएगा. तो नेक्स्ट ईयर जरूरी नहीं है, नेक्स्ट ईयर में कभी भी. ठीक है सर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडली बता देंगे नोट कर लिए. देन सर ये अब इनके पास बुक है पेज नंबर 83 का. इस पे पीछे लेके जाना जरा साथ साथ में रही कर आपको इस पेज के दरमियान में इससे थोड़ा सा नीचे की समरी के वर्ड लिखा नजर आया. अब डेफिनेटली सर मैंने अभी पिछले दो तीन दिनों में आपके साथ डेफर टैक्स की सारी डिस्कशन लॉजिकली की है कि फ्यूचर में टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो क्या बनेगा सर, और अगर कम देना पड़ेगा तो. लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समटाइम्स चीजें इस तरह से सोचना एग्जाम हॉल में बैठ के जरा टफ हो जाता है. हम कोशिश तो पूरी करेंगे कि क्वेश्चंस करते करते मुसलसल सोचते जाए, लेकिन साथ एक शॉर्टकट भी जहन में रख लेंगे अगर कभी उस तरह से फंसे तो कम से कम कुछ ना कुछ गुजारा हो जाए. तो इस वक्त एक समरी सॉर्ट ऑफ लिखी हुई आपके सामने, चार पॉइंट्स लिखे हुए, उनमें से तीन पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, फिर एक पॉइंट जो रहेगा वो इंशाल्लाह जब आगे चलेंगे तो साथ आ जाएगा. तो यहां तक जो तीन पॉइंट्स पहले लिखे हैं वो मेरे साथ एक एक करके पढ़े. नंबर वन, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इज मोर देन टैक्स बेस. अब इस वक्त कोई लॉजिकली बात नहीं हो रही, एक सॉर्ट ऑफ आप कहें शॉर्टकट से है. कभी भी अगर किसी एसेट की कैरिंग अमाउंट उसके टैक्स बेस से ज्यादा होगी तो हम बहस तो बहुत किया करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उस बहस के नतीजे में हमेशा डेफर टैक्स लाइबिलिटी ही बना करेगी. सॉरी क्या चीज किससे ज्यादा अगर होते अपने रजिस्टर में वो फर्स्ट एग्जांपल देखें मशीनरी के जो चार साल हमने बनाए थे. अब कहीं ऑनलाइन स्टूडेंट से प्लीज अपने रजिस्टर में ढूंढने का, अब पे नंबर ना पूछ लीजिएगा मुझसे. ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, चारों सालों लास्ट ईयर तो शायद जीरो हो गया, तीनों सालों में कैरिंग अमाउंट ज्यादा है. मशीनरी कैसेट है तो उस मशीनरी की कैरिंग अमाउंट उसके टैक्स बेस से ज्यादा है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लंबी बहस की फ्यूचर में टैक्स एप्रिसिएशन कम हो जाएगी, याद है टैक्स और प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, टैक्स ज्यादा देना होगा. तो हमने इंशाल्लाह कोशिश ऐसे ही करनी है, लेकिन नजर आपके सामने आएगा कि अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है किसी एसेट की टैक्स बेस से तो ये क्या बना हुआ है सर, डिफरेंस रेट मल्टीप्लाई करके फिर डेफर टैक्स लाइबिलिटी ही बनी हुई और ये ऐसे ही रहेगा. अब देखते रहेगा देन आ जाए जरा एक सेकंड वापस सेकंड पॉइंट देखें ये प्लीज समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ, मतलब एक शॉर्टकट बताओ. सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इज. अच्छा ये चारों पॉइंट्स ही शायद रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, अगर फर्स्ट सेंटेंस याद रह जाए तो बाकी फिर रिवर्स शायद बने. क्या लिखा हुआ सेकंड, अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट कम हो रही है टैक्स बेस से तो फिर डेफर टैक्स एसेट बन जाता है. अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमने एग्जांपल कर ली हुई है, डेटर्स वाली निकाला अभी तो डेटर व्हाट वाज द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेटर. ना कर रही यार ना कर रही कैरिंग अमाउंट फाइनल फिगर डेटर एसेट है, डेटर एसेट है सर. कैरिंग अमाउंट क्या है 475,000 बेटा, प्लीज 475,000 फाइनली कैरिंग अमाउंट किसे कहेंगे,
अलाउंस लेस करके या अलाउंस लेस से पहले फाइनली हमारी बैलेंस शीट में फिगर तो 475 आएगी, फाइनल फाइनल फिगर. व्हाट इज टैक्स बेस फाइनल? तो डेटर की कैरिंग अमाउंट लेस देन टैक्स बेस है. तो बहस इंशाल्लाह करते रहा करेंगे, लेकिन उस बहस के रिजल्ट में बनेगा क्या, इंशाल्लाह एसेट ही बना करेगा. ठीक हो गया. थर्ड पढ़े आगे. अब यही दो जो पॉइंट्स पढ़े हमने एसेट्स के लिए, ये रिवर्स है लाइबिलिटीज के लिए. मसलन इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ अ लाइबिलिटी इज मोर देन टैक्स बेस, तो फिर क्या बनेगा सर? बस लाइन में रहे, उधर तो कह रहा था लाइबिलिटी है. तो अगर एसेट है तो लाइबिलिटी है, और अगर एसेट की जगह लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा हो रहा है, तो ये बात अभी हमने की है. ग्रेजुटी देखेंगे, क्या ग्रेजुटी पेएबल एक लाइबिलिटी है? व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? 1 लाख. व्हाट इज टैक्स बेस? क्या कैरिंग अमाउंट इज मोर देन टैक्स बेस? इट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू डिफरेंस रेट मल्टीप्लाई करके डिफरेंस है. और फिर जो फोर्थ पॉइंट है वो भी लाइबिलिटी का उलट है, लेकिन अभी वो एग्जांपल नहीं आई इसलिए उसको मेरा ख्याल अभी इस पर करेंगे. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर. हमारे इस बात का भी ये मतलब नहीं है कि बस हम सट्टे को ही बेस बनाएंगे, अभी हमें लॉजिकली क्लियर रखना है अपने आप को. हाँ, जहां जरा मुश्किल हो जाए वहां भी मुश्किल को आसान करने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. अब इसकी जरा रिक्वायरमेंट है, बस नेक्स्ट पेज पर चलेगी. एक रिक्वायरमेंट पढ़ के वापस आ जाए. प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2010, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव्स. कौन सा ईयर भी बनाना है? 9. स्टार्ट कहां से लेना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. आ जाए फर्स्ट साइंस. अब काम सिर्फ कंसंट्रेशन करेंगे. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st December 2010 रिलेटेड टू गैलेक्सी लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st January 2009. हम सेकेंड ईयर में हैं. Yes, sir. ऐसे ही सर. Yes, sir. 9 के क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे? 9 के क्लोजिंग होंगे सर. अगर होंगे तो 10 के ओपनिंग होंगे, लेकिन 9 के स्टार्ट पे ओपनिंग क्यों नहीं होगी? फर्स्ट ईयर बिजनेस. तो 1st January 2009 प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60 and 45 million रिस्पेक्टिवली. ये ऊपर 10 का डेटा, और फिर ब्रैकेट में क्या दिया आपको उसमें कंपैरेटिव. डिटेल ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज एज फॉलोस. Accounting and tax depreciations given. GI Galaxy Limited purchased the fixed assets on 1st January 9 for rupees 100 million. Business जब start हुआ पिछले साल, इस साल पिछले साल, तो 100 million के fixed assets नहीं, rupees in million दस साल. Company operates a gratuity scheme. Provision made during the year underlying increments. So the 9 and 10 amount rupees 1.7 million and 2.2 million respectively. ये provision made during the year के है. क्या ये expense है? नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं, gratuity के लिए पीछे वापस है, ये ना कीजिएगा, allowance नहीं है. Gratuity provision का मतलब है gratuity payable. ये ना कीजिए. नहीं, मतलब मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं पेएबल के, ये एक्सपेंस फॉर द ईयर है. ये ऐसे भी हो सकता है सेंटेंस, द प्रोविजन एज ऑन 2009 and 10 अमाउंट रुपीज 1.7 and 2.2 million. अगर ये एज ऑन के साथ लिखा होता तो ये क्लोजिंग होता, और क्या फॉर द ईयर ढूंढा जा सकता है सर? लेकिन मेड ड्यूरिंग द ईयर से मुराद कोई एंट्री हो रही है अमाउंट की, क्या 1.7 मिलियन 2.2 मिलियन रिस्पेक्टिवली एक्सपेंसेस की अमाउंट है? एंट्री बोला, ये मेड ड्यूरिंग द ईयर तो अंडरलाइन कर लीजिए, एज ऑन से का फर्क पड़ता वो क्लोजिंग होता था, बहरहाल फॉर द ईयर निकाल लेते, लेकिन फिर वो क्लोजिंग है. लेकिन फॉर द ईयर मीन्स बैड डेट्स फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर द ईयर. लेकिन मारा नो पेमेंट हैज बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेजुटी ड्यूरिंग दीज पीरियड्स.
पेमेंट कोई नहीं हुई दोनों सालों में। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड एंड नेस्टेड फॉर 23 मिलियन एंड रेकॉग्नाइज द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 0.5 मिलियन। एसेट कितने का होगा अगर 3 मिलियन का बेच के 0.5 मिलियन का प्रॉफिट हो गया? 0.5। 3 मिलियन सेल प्रोसीड्स है, सेल प्रोसीड्स है, 0.5 मिलियन गेन है, 2.5 मिलियन कैरिंग अमाउंट होगा। द टैक्स बेस वॉज 3 मिलियन। वट इज टैक्स बेस? टैक्स में कितना लॉस है? क्या टैक्स में भी गेन है? लेकिन वो गेन डिफरेंट क्यों लग रहा है? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में फर्क लग रहा है। तो वट इज टैक्सेबल गेन? 1 मिलियन। वट इज अकाउंटिंग गेन? नो अदर एडिशन और डिलीशन वॉज मेड ड्यूरिंग 2009 एंड 10। और कोई एडिशन डिलीशन नहीं, बस यही है। नंबर 3 एंड 4 डिसाइडिंग है सर, बस ये बात इसी में फाइनल कर लीजिए। बैड डेट्स एक्सपेंस वर्ड अंडरलाइन करें और अगले वर्ड अंडरलाइन करें बैड डेट्स रिटन ऑफ। बैड डेट्स रिटन ऑफ का मीनिंग बताएं, बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री बताएं, बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट एंड रिटन ऑफ की एंट्री बताएं, अलाउंस डेबिट डेट्स, ये लिख लें और आप याद रखें। हमेशा बाई डिफॉल्ट हम क्या ज्यूम करेंगे? अलाउंस बन रहा है और देयर फॉर राइट ऑफ। पहली एंट्री बताएं, बैड डेट्स डेबिट और रिटर्न ऑफ। जी ठीक है बेटा, ऑनर्स कंप्लीट कर लेना। 5 मिलियन एंड 7 मिलियन, 5 मिलियन के साल एंड रिटर्न ऑफ 3 मिलियन एंड 4 मिलियन रिस्पेक्टिवली। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35% टैक्स रेट्स आपको गिवन होंगे, बदो भी कहेगा रिकॉर्डिंग भी आप करें। हाँ जी शुरू करें। गैलेक्सी लिमिटेड से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सपेक्ट्स। Statement of profit and loss extracts for the year ended 31st December 2010. जिस चीज की जिस वक्त जरूरत पड़ेगी वो वर्किंग करेंगे, अब सीक्वेंस में सोचने वाली चीज है।
जी सर, हमने कंपेरेटिव बनाना, पहले कौन सा साल आएगा? 10, 9, रुपीज इन मिलियंस कहीं देखना है। जी स्टार्ट नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60 और 45 रिस्पेक्टिव। एक मिनट एक मिनट सर, ये ट्रांसफर बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में सर जान रहे हैं वो साथ साथ सर यहीं पे ना सर ना टैक्स की हेडिंग देखें सर। सर स्टेट बोर्ड ऑफ प्रॉफिट लॉस में बैड गेम शुरू एड बैक सर प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस बन रहे सर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हेडिंग क्या आनी है सर? टैक्स। टैक्स के बाद सर करंट टैक्स। करंट टैक्स के लिए कहां जाएंगे? वर्किंग वन सर, पांच छह लाइनें गिन के छोड़ दे नीचे वर्किंग वन पर। जी सर वर्किंग वन करंट एक्स है। किस किस साल की वर्किंग से? नाइन स्टार्टिंग पॉइंट सर। गेम ऑन सर 60 और 45 सर। ध्यान दे गुस्सा क्या होगा मैं साथ साथ नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लिया सर ना, लिख लिया सर। पॉइंट नंबर टू में किसी ने बैड डेट बोला, किसी ने क्रेडिट बोला, दरमियान में डेप्रिसिएशन भूल गए। क्या काउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन सेम है सर? क्या करेंगे सर? कभी भी अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन हो तो ये अंडरस्टूड बात है बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम कि ये सही अकाउंटिंग प्रॉफिट। हाँ पता चल जाए गलत है तो ऑफ कोर्स पहले उसको करेक्ट होना चाहिए। तो क्या काउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर सकते? आप फिगर जरा करनी चाहिए, ढूंढ लीजिएगा 10 और 9 मेरे ख्याल उसी सीक्वेंस में हम वैसे कर रहे हैं। 15 15 एड बैक हो जाएगा और 6 और 45 रिस्पेक्टिवली लेस होगा। क्या ऐड करके क्या लेस करता है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड टैक्स डेप्रिसिएशन लेस। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 15 और 15 और टैक्स डेप्रिसिएशन है। अब डेफिनेटली एक तरीका ये भी होता है कि पहले सिर्फ एड्स लिख लें एज यू कंफर्टेबल एज यू फील कंफर्टेबल, लेकिन मेरा ख्याल इतनी साइंस वाली बात तो नहीं, आपकी मर्जी है ये आप क्या करें। नहीं मतलब सम टाइम्स होता है शायद एड्स बाद में लेस, आपने शायद इस तरह की देख लें। मेरा तो ख्याल है कि इसमें है मसला। लेस कितना कितना सर? बहरहाल जिस तरह आपका अगर कंफर्टेबल है कुछ जगह छोड़ दो पांच छह लाइन। क्या ऐड करके क्या लेस कर दिए सर? चले आगे फिक्स्ड एसेट्स आ गए 100 मिलियन के। इन 100 मिलियन के फिक्स्ड एसेट्स को करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करें? कुछ तो करें यार, इग्नोर करें आगे। ये क्या है, ये कहाँ की फिगर है?
फिक्स एसेट इज नथिंग टू डू विद द प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन का फैक्ट था वो हमने कर दिया जी सर. पॉइंट वन आ गया, फर्दर पॉइंट्स में नंबर वन आ गया, ग्रेजुटी एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ हुआ, पेमेंट नहीं हुई. आपको कैसे पता चला ये सवाल पढ़ के कि ग्रेजुटी का टैक्स ट्रीटमेंट कैश बेसिस पे? पहले क्वेश्चन देखना होता है, ना हो तो फिर वो जहन में लाना होता है. तो आपने बिल्कुल ठीक किया, यहाँ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेजुटी. हमारे जहन में यकीन वही आना चाहिए. लेकिन फर्स्ट करें, यहाँ लिखा होता है ग्रेजुटी इज अलाउड ऑन अक्रूअल बेसिस, तो सवाल नहीं काट देना, सवाल नहीं काट देना. आपके जहन में बिल्कुल सही आया, बाय डिफॉल्ट पहले क्या देखेंगे? क्वेश्चन. हाँ वहां नहीं है तो यकीन है जो हमने पढ़ा है वो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल. क्या करके क्या करते सर? पेमेंट हुई नहीं, देयरफॉर क्या नहीं करेंगे? चलिए बता दें क्या फाइनल करें, सही वर्ड्स के साथ रहेगा. ग्रेचुटी एक्सपेंस सेटबैक होता है, और क्योंकि पेमेंट हुई नहीं इसलिए लेस कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो कितना कितना रिस्पेक्टिव खर्चा है? हाँ जी देख लीजिएगा, 2.2 मेरा ख्याल है 10 का और 1.7 शायद है 9 का, रिस्पेक्टिवली 1.7 एंड 2.2. लेकिन हम जरा कंपेरेटिव फॉर्म में बना रहे हैं. एड बैक होगा लेस होगा सर? ठीक है, एड बैक होगा सर. ये खर्चा है जो अलाउड नहीं है, सही बिल्कुल आवाज आई है. एड बैक कैंसिल करें. सर लेस ही होगा सर, कम आ नहीं है ये नहीं. 45 लेस होगा सर. आगे जी रे, नंबर थ्री, नंबर टू सॉरी, एक डिस्पोजल हुई है, सही पढ़नी है, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है. सवाल देख के बताएं किस साल की बात हो रही है. ड्यूरिंग द ईयर देख लेना, देखो फर्स्ट लाइन से देखो, हमें 2010 का डाटा दिया हुआ, तो ये 10 और 9 दोनों में नहीं है शायद. ड्यूरिंग द ईयर कौन सा जी फाइनल करना, तो 10 में ही फिगर आनी है बस जी. क्या करेंगे? अकाउंटिंग गेन है 0.5 और टैक्स गेन है 2 मिलियन. 2 मिलियन क्या है? टैक्स बेस है, 3 मिलियन है कैश, तो वहां टैक्स पॉइंट भी से बनेगा 1 मिलियन. कर लेंगे हिम्मत, तो क्या करके क्या करेंगे? अकाउंटिंग गेन पहले हमारे प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा, ये हुई ना बात, ऐड हुआ होगा, तो अकाउंटिंग गेन का क्या करेंगे? लेस कर देंगे अमाउंट इन रुपीज 0.5 मिलियन, और सिर्फ 10 में ही करेंगे क्योंकि 10 से रिलेटेड है, और उसकी जगह टैक्स गेन कैलकुलेट कर लेंगे. 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 मिलियन, और इसको ऐड क्यों कर देंगे? क्योंकि ये टैक्सेबल इनकम है. जी एनी कंफ्यूजन सर? बैड डेट्स वाले पॉइंट पे चले जाए. बैड डेट एक्सपेंस और बैड डेट्स रिटन ऑफ, आपको कैसे पता चल रहा है कि बैड डेट एक्सपेंस अलाउड नहीं है? हमारे जहन में फिर वही आया कि टैक्स वाले तो एक्चुअल अलाउ करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया. तो देर पर हम क्या करके क्या करेंगे? एक्सपेंस एड बैक करके. अच्छा मुझसे एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि हम ये भी तो कर सकते थे कि मसलन ये प्रॉफिट पे है, 0.5 ने लेस होना और 1 ने ऐड होना, तो हम नेट करके 0.5 ऐड कर लें. कर सकते हैं लेकिन ऐसे ना कीजिएगा. एग्जाम में ये जहन में रखना कि अब नेट करके क्या करना है ना. नहीं नहीं साइंस में लड़ा है. क्या करके क्या करें कंडी? जो अलाउड नहीं है उसे रिवर्स करें, जो अलाउड है उसको करें. जितना टाइम हमने इसको सोचने में लगाया मेरे को उतनी देर में हो जाना था. तो बैड डेट एक्सपेंस एड बैक करेंगे और बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लेस करेंगे. करेंगे सर? कैसे करेंगे करवा दें जरा, ये डाटा जरा देख लें. हाँ जी किस तरतीब से? जरा तरतीब से ही करवा दो. बैड डेट एक्सपेंस एड 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली एंड रिटर्न ऑफ
bad debts, actual bad debts, yeah, bad debts written off. Bad debts written off 3 and 4 less कर देते हैं, written off. देखेंगे. क्या बात है भाई, नहीं कैलकुलेटर गिरा, दूसरा बैग से निकाल लिया. नहीं आपका नहीं गिरा था, मैंने वैसे कहा, लेकिन कैलकुलेटर भी निकाल रहा, जुबानी सवाल करी जा रही, अभी जरूरत पड़ी. जी सर जी, टैक्स रेट का क्या करें इस वर्किंग में? पहले क्या आएगा तो फिर क्या आएगा? टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा तो रेट मल्टीप्लाई होगा. ये टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं कहा, टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ जाएंगे सर 19.7 एंड 73.7. देख लेते कैसे 73.7 एंड 19.7, चलो ऐसा कर लेते. ये फिगर्स कैसे आई है? और सारी प्लस माइनस करके आई है. नहीं, मेरे से सवाल होना था, किसमें क्या किया गया है तो क्या आ गया है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्टमेंट्स एडलेस की गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया है. देन क्या करेंगे आप? टैक्स रेट ढूंढेंगे और जो रेट अवेलेबल है 35% वो मल्टीप्लाई कर दो. 25.795 यकीन मानिए, देख लें चेक कर लें. नहीं, 8 तो नहीं मैंने करने देना, 795 है. कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है? मैं इस अल्हम्दुलिल्लाह आसान सी बहस को राउंडिंग ऑफ की नजर नहीं कर सकता. 6.895 अभी ना कंडी करें राउंड ऑफ, अभी नहीं कीजिएगा. मिलियन अगर है तो 26 मिलियन कर लें, देखे देखे 9 कर लें. अगर मैं कहता तो फिर ठीक, फिर नया मसला खड़ा हो जाना था. अभी रहने दें, एग्जैक्टली फिगर्स रिकंसाइल हो जाए, बाद में फिर जैसे आप हुक्म करें. 25.795 एंड 6.9895 कैलकुलेटर पे यही आता है यार. yes, ये भाई से पूछ लें जरा, भाई ने कैलकुलेटर पे किया, ऐसे ही आता है फिगर्स. ठीक है मेरी, डन. ये फिगर तो उठाए सर, इसकी एंट्री बोले, इस फिगर्स को पोस्ट करें सर, इस वर्किंग का मकसद खत्म हो गया. 25.795 एंड 6.895. ब्रैकेट क्यों लगा दी आपसे पूछे बगैर? मैं डबल एंट्री बोल रहा सर, तो करंट टैक्स में एक्सपेंस डेबिट ही होना, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट ही होना है. हाँ, पेबल क्रेडिट होना. सेकंड वर्किंग शुरू हो गई डेफर टैक्स, वर्किंग नंबर 2 में आ. अब डेफर टैक्स जो है, पिछले 2-3 दिन से हमने काफी डिफरेंट तरीकों से डिस्कस किए हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. आज आ जाए जो तरीके हमने पढ़े हैं वो हैं क्या, और अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना क्या. तो वर्किंग नंबर 2 में कंडी इकट्ठे हो जाए, और प्लीज इस वक्त जो मैं बातें करूं वो मेरी सीरियस लीजिएगा. हाँ, बाद में डेफिनेटली जो हमने अदरवाइज भी काम किए हैं वो सब कुछ आपके सामने में लाता हूँ, तो साथ साथ कंडी रहिएगा. कौन सी वर्किंग में आप आ गए? वर्किंग नंबर 2. हेडिंग लिखें डेफर टैक्स.
अब अगर आप लिखना छोड़ दें और देखना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें, रिवाइज करना शुरू कर दें, सबसे बेस्ट है। मैं अभी इस क्वेश्चन की वर्किंग टू बाद में करता हूँ, पहले जरा यहाँ अपने हाथ से हम चंद बातें जरा आगे नोट करना, लेकिन समझ के। डेफर टैक्स हमने दो तरह से डिस्कस करना शुरू किया हुआ है, एक है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, या इनकम स्टेटमेंट की जगह जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट से कंपेयर किया जाए और डिफरेंस ले लिया जाए और रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या डेफर्ड टैक्स की फॉर द ईयर अमाउंट पता चल जाती है? फॉर द ईयर पता चलती है सर। तो प्रॉफिट्स, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, तो इसलिए मैंने उसका नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अप्रोच रखती है। प्रॉफिट्स कंपेयर करते हैं इसमें, इसमें करते क्या है, वी कंपेयर। अब आराम से बाद में लिखिएगा, मैं जरा समराइज फॉर्म में इकट्ठा जरा कर रहा हूँ। वी कंपेयर इस मेथड, इस तरीके में हम क्या करते हैं, कंपेयर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, याद आ रहा है ना सर? ये फर्स्ट जरा एग्जांपल निकाल के रख लें रजिस्टर में, तो चार सालों की जब वर्किंग की थी, पहले चार साल की वर्किंग और साथ नीचे करंट टैक्स की वर्किंग के बाद एक्सट्रैक्ट्स बने होंगे। करंट टैक्स की अमाउंट थी पहले साल में 25,500, तभी थी सर, फिर 4,500 तक कैसे पहुंचा? 1,00,000 अकाउंटिंग प्रॉफिट था, 85,000 टैक्सेबल प्रॉफिट था, डिफरेंस 15,000 था, रेट से मल्टीप्लाई किया। बोर्ड पे देखें, इस अप्रोच में क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और टैक्सेबल प्रॉफिट्स को कंपेयर करते हैं, और अगर डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस अगर आ जाए तो उसे रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, और रेट मल्टीप्लाई करने से दो चीजें आ जाती हैं। ना सर जाने दो, सर खुद आखिर ही है। फॉर द ईयर आता है, फॉर द ईयर आता है, फॉर द ईयर आता है। पहले दूसरे साल में देखें, वही लिखें सामने, पहले और दूसरे साल में रेट मल्टीप्लाई करके या तो डेफर टैक्स एक्सपेंस की डेबिट अमाउंट आ जाती है, हिम्मत कीजिएगा, ये बात अगली करने लगे आगे आ जाके फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रख सुने गौर से, पहले दो सालों में अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, हिम्मत लाख लाख और नीचे 85 और 95, पहले दो साल में अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है। जब आपने डिफरेंस रेट मल्टीप्लाई किया तो ये डेफर टैक्स एक्सपेंस की डेबिट अमाउंट आई। हाँ, फिर ये एंट्री पूरी कैसे की, एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी, लेकिन पहले क्या मिला और फिर क्या आया, एक्सपेंस मिला लाइबिलिटी क्रेडिट। तो पहले दो सालों में डिफरेंस से रेट मल्टीप्लाई करके क्या मिला, डेफर टैक्स एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस कह लें या डेबिट अमाउंट कह लें, डेफर टैक्स एक्सपेंस, नहीं समझ आ रही। लेकिन तीसरा चौथा साल देखें, वहां भी तो प्रॉफिट्स को कंपेयर किया यार, लेकिन नीचे आपने पॉजिटिव फिगर्स लिखना शुरू कर दी। वहां हुआ क्या, वहां सिचुएशन उलट हो गई, वहां अकाउंटिंग प्रॉफिट्स कम हो गए, टैक्सेबल ज्यादा हो गए। तो अब जब डिफरेंस आप रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, ना, फिर भी डेफर टैक्स एक्सपेंस ही मिलेगा, लेकिन फिर डेफर टैक्स एक्सपेंस की क्रेडिट अमाउंट मिलेगी। इट मीन्स अगर हम प्रॉफिट्स को कंपेयर करेंगे तो फॉर द ईयर फिगर मिलेगी, फॉर द ईयर फिगर का मतलब एक्सपेंस की फिगर मिलेगी, तो एक्सपेंस की डेबिट अमाउंट भी मिल सकती है और क्रेडिट अमाउंट भी। कब डेबिट मिलेगी, कब क्रेडिट मिलेगी, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो एक्सपेंस की डेबिट अमाउंट मिलेगी, और अगर अदरवाइज बोल दें अकाउंटिंग प्रॉफिट कम होंगे, तो ये जो आपने बोला इंशाल्लाह जब फर्दर थोड़ा सा पढ़ लेंगे ये बाद में लिखेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉफिट्स कंपेयर करेंगे और डिफरेंस लेंगे तो रेट मल्टीप्लाई करने से फॉर द ईयर अमाउंट आएगी, या वो डेबिट अमाउंट आएगी एक्सपेंस की या क्रेडिट अमाउंट आएगी। एनी कंफ्यूज?
है सर। लेकिन मैं जरा दूसरी अप्रोच लिख दूं, फिर आपके साथ मैं समरी बनाता हूँ जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ यहाँ तक ठीक है। दूसरी अप्रोच इसी एग्जांपल में थोड़ा सा आगे आ जाए, जहां मशीनरी के चार साल बनाए थे हमने, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अनदर वे क्या है? नहीं, अनदर वे क्या है कि आप कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेस को कंपेयर कर। तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस अगर वर्ड आपके सामने बोला जाए, तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। इसको बैलेंस शीट अप्रोच भी बोला जा सकता है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अप्रोच भी जा सकता है। तो देयर आर हाउ मेनी अप्रोचेस टू कैलकुलेट करंट टैक्स? करंट टैक्स की बात ही नहीं हो रही, मैंने वैसे कंफर्म किया। करंट टैक्स की कोई अप्रोच नहीं है, अगर है तो वो आपसे बाद में पूछ लूंगा। इस वक्त किसकी बहस हो रही है? सिर्फ डेफर टैक्स। तो देयर आर हाउ मेनी अप्रोचेस टू कैलकुलेट डेफर टैक्स? कौन सी एक? प्रॉफिट लॉस अप्रोच एंड बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट अप्रोच में क्या किया आपको, अपने सामने रखे वो चार साल, वी कंपेयर। कंपेयर किसको किससे? कंपेयर कैरिंग अमाउंट्स विद। कैरिंग अमाउंट्स किस किस की होती हैं? सर सर लाइबिलिटीज की होती हैं, और टैक्स बेस भी किस किस की हो सकती हैं? कंपेयर कैरिंग अमाउंट्स विद टैक्स बेसिस। क्या इनमें भी डिफरेंस हो सकता है? कब यार? जब अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में फर्क होगा। लेकिन इस डिफरेंस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट से, तो फॉर द ईयर नहीं। देखिए ना यार, इसलिए तो मैं समझ रहा हूँ 6000 ये लेजर बनाया था इसके नीचे। वो कैसे बनाया था? पहले क्या मिला था, फिर क्या मिला था? तो अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बेस पे कंपेयरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस कंपेयर करेंगे, तो देन आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस है। लेकिन वो क्लोजिंग बैलेंस किस किस का हो सकता है? क्या हमेशा लायबिलिटी का ही होगा? हाँ, आपको तो यही नजर आ रहा है, लेकिन जरा डेटर वाली एग्जांपल में जाए, डेटर वाली एग्जांपल नंबर 2 में जाए। क्या डेटर की कैरिंग अमाउंट पता है आपको? टैक्स बेस भी पता है, लेकिन जब उसके डिफरेंस से रेट मल्टीप्लाई किया, तो फिर तो डेफर टैक्स एसेट का क्लोजिंग आया। प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी होने, वहां भी कैरिंग अमाउंट का जब टैक्स बेस से कंपेयर किया, तो रेट मल्टीप्लाई करके डेफर टैक्स एसेट आया। तो कब एसेट आएगा, कब लाइबिलिटी आएगी? अगर फ्यूचर में सोच के वो लेता है उस रट्टे की भी जरूरत नहीं। वापस आ रहे फर्स्ट एग्जांपल पर, अगर फ्यूचर में लग रहा होगा ज्यादा टैक्स देना है, तो लायबिलिटी का क्लोजिंग कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर फ्यूचर में लग रहा होगा कम टैक्स देना है, तो एसेट का क्लोजिंग कैलकुलेट होगा। इस सिनेरियो, इस अप्रोच से पहले क्लोजिंग आएंगे। लेकिन क्या क्लोजिंग आ जाए तो फॉर द ईयर भी आ जाते हैं, लेकिन पहले क्या मिलेगा? किस किस का? या डेफर टैक्स एसेट का क्लोजिंग मिल जाएगा, या डेफर टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग। और डेफिनेटली दोनों के सिचुएशंस में अल्टीमेटली अगर एक्सपेंस आ जाए तो हम क्लोजिंग निकाल लेंगे, तो क्लोजिंग आ जाए तो फॉर द ईयर भी निकालेंगे, ये इशू नहीं है। लेकिन पहले क्या मिलेगा और फिर किसको तलाश करना पड़ेगा? पहले इस अप्रोच से क्लोजिंग लाएंगे और फिर फॉर द ईयर इंशाल्लाह लेजर्स बना के निकल सकते हैं। एनी कंफ्यूजन इन माई स्टोरी? अभी आप नोट करना जरा, यहाँ इसलिए कर लें ताकि यहीं जहाँ पहली दफा ये जरूरत पड़ी है जरा रिवाइज हो जाए। ये नजर आ रहा है लास्ट टाइम में जो साहब बैठे, मैंने थोड़ा छोटा किया। ये ऑनलाइन सोर्स से करनी जरा लिख के बताना है। सही है, अपने पास जरा पेजेस रख ले यार, जरा एक मिनट आएगा।
ये आपके लिए ही कर रहे हैं यार, आपने देखिए ठीक है पहले इसके बैक साइड पे ये करो ठीक है पीछे आगे पीछे आगे ये एक दिखा दे अगर करवा चल एक दिखा दो करवा ले नहीं करवा के दिखा दो बाद में आजकल कुछ बच्चे नहीं आ रहे, लगता है वो पढ़ रहे। सारी रात लगता पड़ता है। रिजल्ट पे फाइनल हुआ अभी तक? रिजल्ट डेट तो नहीं, क्या वैसे है अनाउंस हो रही है? वो तो मेरा ईद का दिन बनता नहीं, आपका क्या ख्याल है? पहले आने चाहिए बाद में? ये नोट कर लिए सर, ये कॉन्फिडेंस ना खुदा के लिए लफ्ज बोल दीजिएगा, ये शटर होता है एक लम्हा भी नहीं लगता। फिर ये नहीं समझ आती सर ये पेपर में कैसे किया सर, कैसे हो सकता? मैंने 90 नहीं, मैंने 98 का किया था, मैं तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था। क्या ये 20 नंबर आया? ये ना खुदा के लिए कीजिएगा, कम से कम इस वक्त फिरौनियत नहीं। हाँ पास हो गए ठीक है वक्त पर एक दो मिनट के लिए, लेकिन इस वक्त नहीं का। ये पहला इत्तेफाक है आप लोगों का, पहला ना पहला नहीं, वो तो एएफसी का होना ना, तो बहरहाल कैंडी ये खत्म करें, ये फिरौनियत ना करें इस वक्त। कम अज कम हम्बल रहे, बाकी अल्लाह तौफीक दे, यहाँ बड़े बड़े बुरे जो लौट जाते हैं। बहरहाल ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। जी सर नोट कर लिए सर, एक आखिरी सेकंड अब लिख सर, अब तो होगी दो अप्रोचेस, तो क्या हर सवाल दोनों अप्रोचेस से होगा? फिर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू आईएस पर IS-12 ऑफ इनकम टैक्सेस ऑलवेज यूज बैलेंस शीट अप्रोच।
always use balance sheet approach. To calculate deficits. Means किसको किससे compare करें? If however examiner requires to use income statement approach, or there is no information of carrying amounts and expenses. Then use income statement approach. According to IAS 12, always use balance sheet approach to calculate deficits. मतलब बाय डिफॉल्ट आपके सेन में आना चाहिए कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस, लेकिन अगर एग्जामिनर कहे फॉर एग्जांपल लिखते हुए कहे कि डेफर टैक्स आपने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से या प्रॉफिट्स को कंपेयर करके कैलकुलेट करना, या पूरा क्वेश्चन सही तरह पढ़ लेने के बावजूद आप कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस तक ना पहुंच सके, ये नो इन्फॉर्मेशन का ये मतलब नहीं कि गिवन नहीं है, गिवन तो शायद कभी भी ना हो, लेकिन डेटा ही नहीं है कि हम कैलकुलेट कर सकें. क्या चीज? There is no information to calculate carrying amounts. मेरे ख्याल जरा बड़ा गलत लगता है. There is no information, थोड़ा सा लगा, to calculate carrying amount at next base. तो अगर हम ना पहुंच सके कहां तक carrying amounts और tax base तक, फिर definitely मजबूरन हम कहां शुरू हो जाएंगे, हम profits को compare कर रहे हैं. अच्छा, इस वक्त जो जहां तक हम पहुंचे हैं ये अभी आपका बड़ा एक इनिशियल लेवल है, तो अगले दो तीन दिनों में ये गेम काफी एडवांस हो जानी है. यकीनन इस वक्त आपको लगेगा कि ये टाइम जरा कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, वो सीधा है तो सही प्रॉफिट्स कंपेयर हो जाते हैं, तो वो आपके साथ रह के मैंने भी थोड़ा सीख लिया, लेकिन काइंडली पहले इसको प्रेफरेंस देनी है, बाकी आपके साथ साथ हूँ, वो भी हो रहा है ये भी हो रहा है, लेकिन ये नहीं कि ये हो जाए तो इसको छोड़ के वो करना है. ठीक है, तो काइंडली प्लीज इस वक्त आप फोकस किस पे करेंगे कि हम बैलेंस शीट अप्रोच से कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, और हो सकती है, डन है? अब यहां रुक के मुझे ये बता दें कि अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मींस कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस की तरफ जाना चाह रहा हूं तो हिम्मत अब करनी है, पता आपको सारा है, क्या पहले फॉर द ईयर कैलकुलेट होगा या एज ऑन कैलकुलेट होगा? अब डेटा जरा देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल डेटा देखें, मैं 31 दिसंबर 2020 के एंड पे वर्किंग करूं, देखें सर ये देखें सर देखें, अब बैलेंस शीट अप्रोच से मैंने वर्किंग करनी है तो क्या ये एज ऑन वर्किंग होगी? कैश और लायबिलिटीज एज ऑन होती है सर. तो अगर बेटा मैं वर्किंग करूं 31 दिसंबर 2010 तो मेरे पास क्लोजिंग कैलकुलेट हो जाएंगे, लेकिन हमने बनाना क्या है, हमने तो एक्सट्रैक्ट और प्रॉफिट लॉस बनाना है, तो क्या वही क्लोजिंग फिर एक्सपेंस भी होगा? 10 में नहीं होगा, फिर मुझे 10 का फॉर द ईयर निकालने के लिए 9 का क्लोजिंग ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उस 9 के क्लोजिंग ने 10 का ब्रॉट डाउन बनना. हाँ, फिर वो जब बन जाएगा तो फिर हम कंपेयर करके फॉर द ईयर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 9 में जरा जाए, क्या हमें 9 का फॉर द ईयर भी चाहिए? 9 का फॉर द ईयर भी चाहिए, लेकिन 9 में जरा सिचुएशन ये है कि फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, देयरफॉर उसका क्लोजिंग ही फॉर द ईयर बन जाए, तो यकीन हमें 10 की वर्किंग भी करनी है लेकिन 9 की वर्किंग भी करनी पड़नी है.
इसका फिर बेस्ट तरीका ये होता है कि रादर देन कि आप लास्ट ईयर से वर्किंग शुरू करें, आप अर्लीस्ट ईयर जो रिक्वायर्ड है वहां से शुरू करते हैं। क्या मतलब वो अर्लीस्ट ईयर जो रिक्वायर्ड है, तो एक सीक्वेंस बन जाएगा कि 9 का क्लोजिंग, फिर 9 का 10 का ओपनिंग सॉरी, और फिर 10 का क्लोजिंग निकाल के फॉर द ईयर आ जाएगा। तो अगर हम एज ऑन वर्किंग कर रहे होंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन की कंपेरिजन की बेस पे, तो हम अर्लीस्ट ईयर के क्लोजिंग से शुरू कर लिया करें। हाँ डेफिनेटली अगर फर्स्ट करें, हमें 9 का क्लोजिंग पहले ही पता होता, 9 का क्लोजिंग क्वेश्चन में गिवन होता, तो हम 10 का क्लोजिंग अगर लिखवाते ये निकालना, तो देन तो इशू नहीं है। लेकिन हमने 9 की भी वर्किंग करनी है, 10 की भी, क्वेश्चन हमने पढ़ ली है, हमें किसी भी साल के किसी डेफर्ड टैक्स के क्लोजिंग बैलेंस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं बताएं, फाइनली बता दें किस डेट से शुरू करूं, आपको क्या समझ आई मेरी बात? ना जान दे, 31st December 9 लिख रहे थे, वो रेलिवेंट ईयर भी तो हमें चाहिए ना, क्लोजिंग भी चाहिए उसका। तो किस ईयर से स्टार्ट कर लिया करेंगे, जो अर्लीस्ट चाहिए, अर्लीस्ट इन सेंस जो सबसे पहले हमें जिस साल की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आए लिखें। बस जनवरी 9 पे वर्किंग करने की जरूरत क्यों नहीं है, या 31st December 8 पे वर्किंग की जरूरत क्यों नहीं है? उस वक्त बिजनेस नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा एज ऑन 31st December 2019 ठीक है, हो गया, अगर हो गया तो बस सही आ गया। नमस्कार, आपको ये लिख करवा, बाद में नहीं देखते जरा बच्चे, अभी रहने। As on 31st December 2009, time सही है, इसने आराम से खत्म हो जाए ना, तो ऐसी आप घड़ियों को देख के बाइस ओपिनियंस की तरफ ना चला जाएगा कि अब ये कैसे होगा, रहने देते हैं, कल कर लेंगे, कल भी इंशाल्लाह करेंगे। कुछ कॉलम बना ले जरा, कैरिंग अमाउंट, एक्स बेस एंड डिफरेंसेस। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस के वर्ड सुन के आपके जहन में क्या चीज आनी चाहिए? हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आइटम्स की ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो पूरा सवाल मेरे साथ आपने अब रीड करना है। अमाउंट्स और टैक्स बेसिस छुपी हुई है, उनको आपने ढूंढ लाना। पॉइंट वन सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैरिंग अमाउंट बता दो। नेक्स्ट पॉइंट में चले सर, नेक्स्ट पॉइंट में डेप्रिसिएशन की कैरिंग अमाउंट, लेकिन एसेट दिया हुआ 100 मिलियन का एसेट ढूंढे सर, कब खरीदा था सर? नहीं हो सर, सब जाने दो, गुस्सा ही 100 मिलियन का एसेट, क्या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस अभी स्टेबल से आ सकती है सर? अभी हम सिर्फ 9 में है, लेकिन अब 100 में से 15 माइनस करें तो 85 इज द कैरिंग अमाउंट। नीचे आए जरा, एक डिस्पोजल भी है लेकिन वो इस साल नहीं है। ये कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस कहना किसे? ये फाइनल क्लोजिंग बैलेंस है, फाइनल। तो डिस्पोजल भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन 9 में सिर्फ क्या है, डेप्रिसिएशन ही है। तो एसेट का जरा लेजर बनाया जहन में, 100 किधर नजर आ रहा है? डेबिट साइड पे। और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कितना लेस होता नजर आ रहा है? अच्छा, जीके ने हम सेपरेट लेजर्स बनाते थे, लेकिन यहाँ शायद डब्ल्यूडीबी की बात हो रही है, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस। 100 माइनस 15 इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट हो गई 85, और टैक्स बेस कैसे करें? 100 माइनस 45 लिखे अजय। तो पहला कौन सा एसेट नजर आया? फिक्स एसेट, कैरिंग अमाउंट इज 100 माइनस 15 85 एंड 100 माइनस 45 टैक्स डेप्रिसिएशन, क्योंकि फर्स्ट ईयर है इसलिए रिस्पेक्टिव ईयर्स की डेप्रिसिएशन ही एक्यूमुलेटेड भी है।
डेप्रिसिएशन ही फर्स्ट ईयर होने की वजह से एक्यूमुलेटेड भी है। इनमें डिफरेंस है सर कितना है, क्यों है, ट्रीटमेंट का फर्क है, अकाउंटिंग में और अमाउंट है, टैक्स में। अगर ये सेम अमाउंट होती तो कोई डिफरेंस ना होता। समझे सर? नेक्स्ट लाइन में चले जाए। नहीं, वो सारा डिसीजन एंड मिलेंगे, डिफरेंसेस आ जाने के सामने, बाकी अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता चीज है। लेकिन ये फाइनली अब इसका एसेट बनता है, लाइबिलिटी बनती है, वो एकदम बात एंड में कर लेते हैं, पहले इधर आप डिफरेंसेस हो। जी सर, ग्रेच्युटी पेबल का एक लेजर आपने बनवाना, यहां वर्किंग आप कर रहे हैं उस वर्किंग के लिए नीचे पांच छह लाइनें रखना, एक ग्रेच्युटी पेबल का लेजर शुरू करें। ये कुछ लेजर ऐसे हैं जिनसे आपका जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ग्रेच्युटी पेबल और ये नहीं सर, नाइन की फिगर सर, नाइन की वर्किंग कर रहे हैं हम, लेकिन जरा ये वाली बात शायद पूरी करवा दे, नाइन टेन, ताकि फिर टेन में भी जरूरत पड़े तो इस्तेमाल हो जाए। नाइन से शुरू कर रहा हूँ, ब्रॉड डाउन बताओ, होता नहीं है, फर्स्ट ईयर था, एक्सपेंस ऑफ द नाइन की अमाउंट क्या है, डबल एंट्री बोले, एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट 1.7, ठीक है, एनी पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, होती नहीं है, नहीं है, नहीं तो 1.7 क्लोजिंग हो गया। क्या ये क्लोजिंग फाइनली 1.7 मिलियन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा 9 के एंड पे, लेकिन यही 10 के स्टार्ट पे फिर ब्रॉड डाउन बनेगा। व्हाट इज द एक्सपेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर, 2.2 की एंट्री बोल, और पेमेंट ना होने की वजह से फाइनली 3.7 इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, 3.9 सर, सॉरी। अगर डेफिनेटली पेमेंट हो जाती तो लायबिलिटी अकॉर्डिंगली कम होके फिर रिमेनिंग बैलेंस सीडी बनता, ठीक है। तो इस वर्किंग को देखें और बताएं 2009 के एंड पे व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट, लिखें क्या वर्ड्स लिखेंगे, ग्रेच्युटी पेबल इज अ लायबिलिटी, जिस अमाउंट पे वो लायबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी, दैट अमाउंट इज कैरिंग अमाउंट 1.7। ये 1.7 तक मैं क्या सोचते सोचते पहुंच गया कि हमने ये एंट्री की होगी, ये पेमेंट हुई होगी, नहीं हुई है तो ये सीडी बन गया। यही ग्रेच्युटी पेबल आप ध्यान में रखें, और टैक्स बेस के एंगल से मुझे जरा ग्रेच्युटी पेबल का लेजर बनवाए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ध्यान में रखें और ग्रेच्युटी पेबल का लेजर बनवाना शुरू करें, तो फिर एक्सपेंस की क्या एंट्री होगी, वो एंट्री होगी नहीं, अभी उनका एक्सपेंस हुआ ही नहीं, तो अगर एक्सपेंस ना हुआ तो एंट्री क्या होगी, कुछ तो होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो बैलेंस शीट ऑफ टैक्स अगर जहन में लग जाए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बेस पर, तो टैक्स बेस जीरो होगी, क्यों, वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, क्या वो रिकॉर्ड करेंगे भी नहीं कभी, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है, और कैश बेसिस है, रिसीवेबल्स पेबल्स कब होते हैं, लेकिन देख रहे डिफरेंस आ जाना, क्या डिफरेंस आना चाहिए, सोचो सोचो वजह 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 वजह, क्योंकि अकाउंटिंग और टैक्स स्टेटमेंट में फर्क है, और क्या इस डिफरेंस पे कुछ बनना चाहिए, वो बाद में चला बात कर लो। डन सर, डिफरेंस तक आ जाए, देन क्वेश्चन देखें और क्या रह गया, नहीं गेन 10 में, गेन वैसे भी गेन की कोई कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस नहीं, हाँ नेक्स्ट ईयर में फिर आके एसेट अकाउंट दोबारा बनेगा 10 में, ठीक है आना उसका, लेकिन कैसे आना वो बात करते हैं, क्या बैड डेट्स और अलाउंस की कोई गेम है सर,
क्या अलाउंस आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है? कहां से लेस होता है? इज अलाउंस अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आइटम? जाने दें यार, बैड डेट्स भी तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है। फिर चला ये बहस अब कल करेंगे, तो आजकल क्या कर रहे हैं आप लोग? आई होप कि आप भी खुद भी मुस्कुराए होंगे इस बात कहने में क्या हर्ज है, बल्कि आपने इच्छा करना है कल आके कम से कम जरूर बताना है कि आज आपने क्या किया, क्योंकि जो कल किया है वो तो मेरे ख्याल आपको भी याद नहीं होगा क्या क्या माशाल्लाह करते रहे आज। जरा नोट करना आज आपने क्या क्या किया। अल्लाह हाफिज़। अपनी आजकल दुआ में मुझे जरूर शामिल रखिएगा यार, आपका बराबर से ताल्लुक।